दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये एक प्रोडक्ट आज ही मेरे पास पहुंचा हुआ है, जो एक फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट है जो मेरे पास पहुंचा हुआ है। सो आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों, आखिर ये क्या प्रोडक्ट है। दोस्तों ये हम लोगों का बहुत काम की चीज़ है। आप वीडियो के थोड़ी सी समय दें, लास्ट तक बने रहें, ये आपका भी काम आ सकता है। ठीक है, बस 2 मिनट का समय दें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको हम जल्दी से रिव्यू करते हैं, आखिर ये क्या चीज़। ठीक है तो चलिए हम लोग इसको रिव्यू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट जो फ्लिपकार्ट से आया हुआ प्रोडक्ट है। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक टेप मारा हुआ है, जो इस टेप को आप कोई पेंसिल या फिर कोई कटर की मदद से आप सबसे पहले कट लेना होगा। ठीक है, इस प्रकार से कटने के बाद इस टेप से खुलेगा। ठीक है ना, खुलने के बाद आपको अंदर में फिर से आपको एक बॉक्स देखने को मिल रहा है, जो बॉक्स को निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको सेट कर देते हैं, इस बॉक्स को फिर हम लोग खुलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है 12 वोल्ट 24 वोल्ट कॉमन डीसी चार्जर विथ 2 USB। ठीक है, चलिए खोलते हैं इसको। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, आखिर आप लोगों को दिखाई दे रहा है साफ सुथरा, ये है क्या चीज़। ठीक है, यहाँ एक पावर ऑन ऑफ का बटन भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ 12 कॉमन लिखा है, 2 USB हमें मिल जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है कि जैसे 12 वोल्ट या 24 वोल्ट से आपका आउटपुट यहाँ पर आपको 2 USB के जरिए आपको 5 वोल्ट का आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, यानी कि 5 वोल्ट आपको मोबाइल चार्जर या फिर कोई 5 वोल्ट का लाइट या फिर स्टैंड लाइट इस प्रकार की या फिर ब्लूटूथ स्पीकर से आप मैंने चला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको हम लोग कुछ टेस्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने सबसे पहले एक 12 वोल्ट का ये आप देख रहे बैटरी ले लिए हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर USB टाइप है, इसको हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से USB में लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो प्लस मैंने इसका वायर हमें मिला है, ठीक है, प्लस का वायर को हम प्लस में बैटरी में जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ इस प्रकार से जोड़ देते हैं, ये प्लस में है, प्लस में जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से उसको ये माइनस है, इसको माइनस में जोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने जोड़ दिया माइनस में। ठीक है, उसको हमें चलिए पावर बटन को ऑन करते हैं, ठीक से नहीं जुड़ा होगा, लाइट जलेगा। ठीक है दोस्तों, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर भी एक लाइट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ गौर से देखिएगा, अंदर में एक लाइट जलने को देखने को मिल रहा है। देख रहे, अभी देखने जल गया, और यहाँ पर भी देख रहे, ये हम लोग का एक 5 वोल्ट का लाइट यहाँ आ गया। ठीक है, चलिए आपको हम एस्टर्न लाइट जला के आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये एस्टर्न लाइट का सॉकेट है, चलिए हम इसको इस यहाँ पर इस होल्डर में लगा देते हैं। ठीक है, यहीं पर ही आप देख रहे, हम इस प्रकार लगा दिया, और यहाँ पर हमें एक बटन दिया है जो एस्टर्न लाइट में दबा दिया। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये लाइट इधर जल चुका है। ठीक है, हम ब्लूटूथ स्पीकर का कनेक्शन में हम लगा देते हैं, आपको साउंड का आउटपुट सुनाई देगा। ठीक है दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ये जो केबल है ना, ये ब्लूटूथ स्पीकर का है, चलिए हम इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे, थोड़ा तार छोटा पड़ रहा है, इसको हम यहाँ लगा देते हैं, एक आवाज आपको सुनाई देगा। ठीक है, मैं समझ जाना कि इसमें हमने 5 वोल्ट का आउटपुट मिला। ठीक है, आपको सुनाई दिया, एक आवाज आउटपुट आपको सुनाई दिया, यानी कि यहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट हो गया। अब ब्लूटूथ कनेक्ट करके आप मैंने गाना बजा सकते हैं। ठीक है तो दोस्तों, यही था आज की वीडियो में, जो ये आपको बहुत काम की चीज़ है। आपके अगर लाइन वाइन 2 दिन से कट जाएगा अगर, तो आप इससे भी आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 USB दिया हुआ है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अंत करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि ये आपके क्या क्या काम आ सकता है। ठीक है, आपके पास अगर 12 वोल्ट का बैटरी है, बाइक का भी बैटरी का बचा है, तो उससे भी आप इसको कनेक्ट करके 2 USB के जरिए आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बेस्ट लक, अपना ख्याल रखें।